हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ फली की सब्जी। पहले भी मैंने एक फली की सब्जी शेयर की आपके साथ, गवार की फली। ये उसी टाइप की होती है, ये इस तरीके से बंच आते हैं इसके। तो ये मैंने ये वाली फली बना रही हूँ आज मैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से इसमें से निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, और ये डंठल है इसका, इसको फेंक देंगे। हम इस तरीके से फली को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी फलियों को अलग अलग कर लिया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर पानी डाल लिया है। अब मैं इन फलियों से तीन बार पानी से निकाल लूंगी। धोना बहुत जरूरी है इनको। फली को मैंने धो लिया है अच्छे से। मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें पानी डाल दूंगी और इस फली को भी पानी के अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं एक सीटी लगा के उबाल लूंगी। सिर्फ मुझे एक सीटी लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी। एक सीटी लगाने के बाद हाथ के हाथ खोल लूंगी। मैं इसको उबाल लेती हूँ। मैंने ये एक पाव फली ली है, तो अब मैं इनको उबाल लेती हूँ। तो फ्रेंड, एक सीटी लग गई, तो फली हमारी उबल चुकी है। और मैंने तीन से चार हरी मिर्च भी डाल दी थी साबुत, वो भी उबल गई है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब फली को मैं ठंडा कर लेती क्योंकि ये बहुत गर्म है, फिर इसको हमें छीलना है। तो मैं पहले ठंडा कर, फली अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं इनको छील लूंगी, और छीलना हमें बहुत जरूरी है। हमें इस तरीके से छीलना है, साइडों से इनको निकालना बहुत जरूरी है। ये साइडों से निकालेंगे हम ये, और हमारी फली इस तरीके से निकल के तैयार हो जाएगी। अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो ये बन जाए, जब फली बनेगी तब ये बहुत ही इरिटेट करती है खाने के अंदर, तो इसीलिए मैं इसको निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, फली को मैंने छील के रेडी कर लिया है। ये इसके डंठल निकले हैं इतने सारे, ये हरी मिर्च जो हमने फली के साथ ही बॉईल कर ली थी। अब हम फली को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस पे मैंने कुकर रख लिया है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हो, आप ये कुकर में भी बना सकते हो। तो मैं कुकर में बना रही हूँ। अब इसमें डाल दूंगी एक चम्मच, बड़ा चम्मच सरसों का। गैस को ऑन कर देंगे और तेल को बहुत अच्छे से गर्म, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो मैंने 8-10 लहसुन की कलियां ली है, उनको क्रश कर लिया। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। हमें सिर्फ लहसुन का ही छोक लगाना है इसमें, और कुछ कोई चीज नहीं डालना। हमें लहसुन को हल्का ब्राउन करना है। लहसुन हो चुका है हमारा हल्का ब्राउन। इसमें डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, डाल देंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाला है, पानी से हमारा मसाला जलेगा नहीं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा जितना भी, और लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से। और मसाले को 2 मिनट अच्छे से, जो मसाले का कच्चापन है वो निकल गया। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला भूनते हैं, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ये फली डालेंगे। फली को भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से इसी के अंदर पकाएंगे, क्योंकि उबाला तो हमारी पक तो गई है फली, हमने उबाली है, मसाला अच्छे से लग जाए, इसलिए 2 से 3 मिनट लो मीडियम गैस मसाले के अंदर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले में अच्छे से फली पक चुकी है, पूरा मसाला जो है वो फली के ऊपर अच्छे से लग चुका है। हमने गैस कर दूंगी और इसको हम सर्व कर। तैयार है हमारी फली की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी, जिसको आप पराठे के साथ, राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, और आप इसको सफर में भी लेके जा। तो होप कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ज्यादा पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।